शिवपुरी में रात के 3 बजे चलती ऑटो से कूदा युवक हैरान कर देगी ये वजह। शिवपुरी जिले की राजेश्वरी रोड पर मंगलवार रात चलती ऑटो से कूदने पर एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। घटना मंगलवार रात करीब 3 बजे की है। युवक ऑटो से अपने घर आ रहा था, लेकिन ऑटो चालक पर शक होने के कारण उसने चलती ऑटो से छलांग लगा दी। ऑटो से कूदने के बाद युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली से छुट्टी मनाने घर आया था युवक। कमलागंज निवासी 25 वर्षीय अंकित जाटव दिल्ली में नौकरी करता था। वह छुट्टी पर अपने शहर शिवपुरी वापस आया था। मंगलवार रात शिवपुरी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने कमलागंज स्थित अपने घर के लिए ऑटो लिया, जहां राजेश्वरी रोड पर चलती ऑटो से कूदने के कारण वह घायल हो गया। अंकित की मां अनीता ने बताया कि ऑटो में उनके बेटे के साथ एक और यात्री था। ऑटो चालक ने ऑटो को दूसरी गली में मोड़ने की कोशिश की, जिससे बेटे को शक हो गया और वह चलती ऑटो से कूद गया। नाम है आपका? अनीता जाटव। कहाँ की रहने वाली? जी कमलागंज। कमलागंज, ये कौन है आपका बेटा? लड़का है। हाँ। क्या नाम है उसका? अंकित। अंकित, तो ये क्या घटना हुई? जी दिल्ली से आया था और राजश्री रोड पे रात के टाइम 3 बजे करीब इसने सोची कि ग्वालियर ग्वालियर से आया था, ऐसे ग्वालियर से जैसे सीपरी दिल्ली से आया था। तो ये जो बोला कि मुझे कहीं और नहीं ले जाए, ऑटो वाला नहीं था। हाँ ऑटो वाला, रेलवे स्टेशन से ऑटो में बैठे थे। फिर कहाँ कूद गए जी? जी रायश्री रोड पर कूद गए जी, मतलब उतर गए वहाँ पर चलती टैक्सी पर, चोटे आ गए, गिर गए। दिल्ली में क्या करता है ये? दिल्ली में ऐसी दुकान पर लगा था, नौकरी करता, उसी के घर पर रहता, उन्हीं के मतलब करता था। तो छुट्टी पे आया था, भूल के आया था, मैं मतलब घर जा रहा हूँ। तो अपन क्यों कूद गए थे? टैक्सी वाले लेके आ रहे थे, सोच रहा था मुंह की तुम नहीं ले जाए।